हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। तो हम कर रहे हैं एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और टीजीटी पीजीटी को लेके जितनी भी फॉर्म्स आने वाले हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, यूपी में तो आपको दिखेगा ही ये, और भी राज्यों में टीजीटी पीजीटी को लेके फॉर्म्स आने वाले हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा 2003 का है और व्याख्यात्मक हल है इसमें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर एक से। और आपको मैं ये बता दूं, अगर आप किसी भी टीजीटी पीजीटी को लेकर तैयारी कर रहे हैं म्यूजिक सब्जेक्ट से, तो उसके लिए सारी चीजें बहुत मैंने करवा रखी है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्वेश्चन पेपर मैंने करवा रखे हैं, प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं उसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एक है, राग यमन का वादी संवादी है गनी पहरे धागा या इनमें से कोई नहीं। देखिए, इसका सही आंसर होगा पहला गनी। ठीक है, राग यमन का वादी स्वर गंधार तथा संवादी स्वर निषाद है। राग यमन कल्याण ठाट का राग है, इसकी जाति संपूर्ण संपूर्ण मानी जाती है। यमन राग में तीव्र म का प्रयोग होता है। यमन राग में क्या होता है, तीव्र मध्यम का प्रयोग किया जाता है। इस राग का गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर माना जाता है। राग यमन में धागा परे वादी संवादी नहीं माने जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दो है, राग भोपाली का सम प्रकृतिक राग है देशकार यमन बागेश्री या सोहनी। सही आंसर है इसका पहला देशकार। राग भोपाली का सम प्रकृतिक राग देशकार है। यद्यपि इन दोनों में स्वर समान है किंतु चलन भेद के कारण दोनों राग भिन्न हो जाते हैं। भोपाली राग कल्याण ठाट का राग है। किसका ठाट है ये, भोपाली कल्याण ठाट का राग है, जबकि देशकार बिलावल का है। ठीक है, बिलावल ठाट का माना जाता है देशकार। क्वेश्चन नंबर तीन है, राग भोपाली में वर्जित स्वर है गप रेधा मनी या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा तीसरा मनी। ठीक है, सारे ग प ध सा सा ध प ग रे सा, ये बोल होते हैं भोपाली के। इसकी व्याख्या मैं कर रहा हूं अब। ठीक है, राग भोपाली में निषाद स्वर तथा मध्यम स्वर वर्जित है, निषाद और मध्यम। ठीक है, अंत इस कारण इसकी जाति औड़व औड़व मानी जाती है। भोपाली राग कल्याण ठाट का राग है। इस राग का गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर चार है, राग विलावल में स्वर लगते हैं कोमल रेधा शेष शुद्ध स्वर। दूसरा है आपका ऑप्शन कोमल ग नी शेष शुद्ध स्वर। तीसरा ऑप्शन है आपका सारी शुद्ध स्वर। और चौथा है तीव्र मध्यम शेष शुद्ध स्वर। देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा तीसरा, सारे शुद्ध स्वर लगते हैं बिलावल में। ठीक है, कोई भी विकृत स्वर का प्रयोग नहीं होता है। राग बिलावल में प्रयुक्त सारे शुद्ध स्वर होते हैं, अर्थात कोई भी स्वर विकृत नहीं है। राग विलावल विलावल ही ठाट का है, आश्रय राग है ये। विलावल राग का वादी स्वर ध है, असंवादी ग माना जाता है। यह राग प्रात काल में गाया जाता है। कब गाया जाता है, तो प्रात काल में गाया जाता है। विलावल राग में कोमल ग ध नीरे तथा तीव्र मध्यम का प्रयोग नहीं किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 5 है, राग आशावरी में कोमल स्वर लगते हैं, रे ध नी, रे ग नी, ग ध नी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा तीसरा, इसका आंसर सही होगा ग ध नी। राग आशावरी में गंधार, धैवत और निषाद कोमल तथा अन्य स्वर शुद्ध लगते हैं। आशावरी ठाट का है और जन्य राग माना जाता है। इसकी वादी ध है, समवादि ग स्वर माना जाता है। आशावरी राग औड़ संपूर्ण जाति का राग है। आशावरी राग में रे ध नी कोमल, ग रे नी स्वर कोमल नहीं लगते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, राग आशावरी का संप्रकृतिक राग है, भोपाली, जौनपुरी, भैरव या देश। इसका सही आंसर होगा दूसरा, जौनपुरी। आशावरी का जो संप्रकृतिक राग है वो जौनपुरी है। राग आशावरी का संप्रकृतिक राग जो है वो जौनपुरी है। राग जौनपुरी राग आशावरी ठाट का राग है। ठीक है, जौनपुरी राग की जाति साढ़व संपूर्ण तथा धवादी ग संवादी स्वर माना जाता है। जौनपुरी राग को दिन के दूसरे पहर में गाया जाता है। आशावरी और जौनपुरी राग में ग ध नी स्वर कोमल लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, पूरिया राग किस ठाट का है, पूर्वी, मारवा, काफी या खमाज। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दूसरा, मारवा। ठीक है, पूरिया मारवा ठाट का राग है। ठीक है, पूरिया राग की उत्पत्ति मारवा ठाट से मानी जाती है। पूरिया राग की जाति साढ़व साढ़व मानी जाती है। इस राग का वादी ग संवादी नी माना जाता है। पूरिया राग प्रातकालीन सिंधी प्रकाश राग है। पूरिया राग पूर्वी, काफी, खमाज का राग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है, राग मारवा का वर्जित स्वर है, म ध प नी। सही आंसर है इसका 3, प। ठीक है, राग मारवा में पंचम स्वर वर्जित है। मारवा राग मारवा ठाट का राग है। ठीक है, इसकी जाति साढ़व साढ़व होती है। मारवा राग का वादी स्वर रे, असंवादी ध है। ठीक है, वादी इसमें क्या है, रे, संवादी ध है मारवा का। मारवा राग का गायन समय दिन का अंतिम प्रहर माना जाता है। दिन का अंतिम प्रहर मारवा का माना जाता है। मारवा राग का आरोह अवरोह इस प्रकार है, सा रे ग म ध नी ध सा। ठीक है, और अवरोह है सा नी ध म ग रे सा। ये इसका है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, राग शुद्ध कल्याण का वादी संवादी है, ग नी, ग ध, रे प, म सा। इसका सही आंसर होगा दूसरा, ग ध। ठीक है,
राग शुद्ध कल्याण का वादी संवादी है गद। राग शुद्ध कल्याण का वादी संवादी गंधार अथवा संवादी स्वर धैवत है। शुद्ध कल्याण कल्याण ठाट का राग है। इस राग की जाति औड़व संपूर्ण मानी जाती है। शुद्ध कल्याण राग का गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर है। क्या है? रात्रि का प्रथम प्रहर है। इस राग का स्वरूप ग रे सानी ध प सा ग रे प रे सा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, राग दरबारी कान्हड़ा के अवरोह के में वर्जित स्वर है म नी ध प। ठीक है, ये प है, ये जो है ये प है, चौथा ऑप्शन। देखिए इसका जो सही आंसर है इसका जो सही आंसर होगा वो होगा तीन ध। ठीक है, राग दरबारी कान्हड़ा के अवरोह में वर्जित स्वर धैवत है। यदि भी इसके अवरोह में धैवत वर्जित है परंतु तार सड़स से उतरते समय जब धैवत का आवाहन किया जाता है उस समय धैवत के उच्चारण में निषाद कण लगाया जाता है। सा ध ध नी प दरबारी कान्हड़ा आसावरी ठाट का राग है। ठीक है, देखिए ये एग्जांपल दे रखा है इन्होंने, और दरबारी कान्हड़ा कौन से किसका है तो आसावरी का है, ये याद रखना, ये पूछा गया था अभी आरपीएससी में, आरपीएससी का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें ये पूछा गया था। इसका जाति संपूर्ण साड़व माना जाता है। रेवादी प संवादी माना जाता है। दरबारी कान्हड़ा राग मध्य रात्रि में गाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से कौन सा कथन सही है? झपताल में 12 मात्राएं होती हैं, झपताल में 3 तालियां होती हैं, झपताल में 6 विभाग होते हैं, झपताल में 2 खाली रहना है। सही आंसर होगा इसका दूसरा, 3 तालियां होती है। ठीक है, झपताल में 3 तालियां होती हैं। झपताल में 3 तालियां होती हैं जबकि झपताल में मात्राएं 10 तथा खाली 1 होती हैं। झपताल को ख्याल के साथ बजाया जाता है। इस ताल में 4 विभाग होते हैं। झपताल का प्राचीन नाम सादरा है। झपताल का ठेका धिन्ना धिन्धिन्ना तिन्ना धिन्धिन्ना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न बोलों में झूमरा ताल के बोल समूह को पहचानिए। पहला है आपका ऑप्शन धिन धा ते रिकेट, दूसरा है क धी ट धी ट, तीसरा है धा धिन, चौथा है आपका धा धिन धिन धा। ये झुमरा ताल जो होता है ना वो होता है धिन धा तिरकिट धिन धिन धागे तिरकिट तिन ता तिरकिट धिन धिन धागे तिरकिट धिन, ये होता है। इसका सही आंसर होगा पहला धिन धाते रिकेट, ये होगा। ठीक है, ये झूमरा ताल के बोल समूह को कहते हैं। झूमरा ताल तबले की ताल है। इस ताल को बड़े ख्याल के साथ बजाया जाता है। ठीक है, बड़े ख्याल के साथ इसे बजाया जाता है। झूमरा ताल की 14 मात्राएं होती हैं। कधी टधी ट धा आगति ट
टी त टा आ क, ये धमा ताल के बोल हैं। धा धिन्ना ये दीपचंदी ताल के हैं और धा धिन धिन्ना ये तीन ताल के हैं, ठीक है। और इसके में चार विभाग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, चौगुन की लयकारी में एक मात्रा में कितनी मात्राओं का प्रयोग करते हैं। चौगुन की लयकारी में एक मात्रा में कितनी मात्राओं का प्रयोग करते हैं, 5, 3, 2, 4। इसका सही आंसर होगा चौथा, 4। चौगुन में तो 4 का यूज किया जाएगा, ठीक है, 4 मात्राओं का यूज किया जाएगा। चौगुन की लयकारी में एक मात्रा में 4 मात्राओं का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। चौगुन एक लयकारी का प्रकार है। दुगुन 2 मात्रा, तिगुन 3 मात्रा, कुवाड़ में 5 मात्रा होती हैं। ये सभी लयकारी के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। किस गायकी के साथ पखावज की संगत होती है, ध्रुपद, ख्याल, टप्पा या ठुमरी। सही आंसर इसका पहला ध्रुपद, ठीक है। ध्रुपद गायकी के साथ पखावज वाद की संगत होती है। ध्रुपद एक जोरदार और गंभीर प्रकृति की गायकी है। ध्रुपद गायकी में तान नहीं होते, ये याद रखना, ये पूछ दिया जाता है। ध्रुपद गायकी में तान नहीं होते। ध्रुपद गायकी के साथ चार ताल, सूल ताल, तिवरा और खुले ताल ही बजाए जाते हैं, ये याद, ये भी पूछ दिया जाता है कि ध्रुपद में कौन कौन सी ताले होती है, तो चार ताल, सूल ताल, तिवरा। ख्याल, टप्पा तथा ठुमरी के साथ तबलावाद की संगत होती है तथा बंद तालों का प्रयोग होता है, ठीक है। अब ये देखिए, एक क्वेश्चन नंबर है आपका 15। आभोग गीत का कौन सा विभाग है, चौथा, तीसरा, दूसरा या पहला। देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पहला, ठीक है। चौथा है स्थाई, अंतरा, संचारी, आभोग, ये चौथा विभाग है इसका। आभोग गीत का चौथा विभाग है। प्रबंध की पूर्ति करने वाले भाग को आभोग धातु कहते हैं। धातुओं की दृष्टि से भी प्रबंध चतुर धातु, त्रिधातु और द्विधातु तीन प्रकार के थे। ध्रुव और आभोग अथवा उद्ग्रह और आभोग का होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मानव जीवन में संगीत संपूर्ण विकास करता है, आध्यात्मिकता लाता है, घनिष्ठता से जोड़ता है, उपयुक्त सभी। देखिए इसका जो सही आंसर है वो है चौथा, उपयुक्त सभी, ठीक है। मानव जीवन में संगीत पूर्ण योगदान देता है, ठीक है। मानव जीवन में संगीत संपूर्ण विकास करता है, आध्यात्मिकता भी ले आता है और घनिष्ठता से भी जोड़ता है। यह कथन बिल्कुल सही है। संगीत के द्वारा मानसिक रोगों का भी उपचार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, ध्रुपद गान में कितनी वाणी का प्रचलन है, 2, 4, 5 या 6।
सही आंसर इसका दूसरा, चार वाणी है। ठीक है, ध्रुपद गायन में चार वाणियां प्रचलित हैं, डागुर वाणी, गोबरहार वाणी, नौहार वाणी, खंडार वाणी। ठीक है, अकबर बादशाह के दरबार में उस समय चार महागुणी रहते थे, तानसेन, ब्रजचंद्र ब्राह्मण, राजा सम्मुखन सिंह वीणाकार, श्री चंद राजपूत। ठीक है, अकबर के समय में इन चारों के द्वारा चार वाणियां प्रसिद्ध थी, तानसेन की गोबरहार वाणी, सम्मुखन सिंह की खंडहार वाणी, ब्रजचंद्र की डागुर वाणी तथा श्री चंद्र की जी की नौहार वाणी प्रसिद्ध है। ध्रुपद में दो पांच छह वाणियां नहीं होती हैं, कितनी होती हैं? चार वाणियां होती हैं, और इससे क्वेश्चन क्या होता है? जरूर आता है। ठीक है, इससे क्वेश्चन, एक प्रश्न इससे जरूर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, गोबर ऐसे पूछ दिया जाएगा, गोबरहार वाणी से कौन है? तो तानसेन जी है। हाँ, ये देखो, गोबरहार वाणी से कौन है? तानसेन। सम्मुखन सिंह किससे है? खंडहार वाणी से है। ठीक है, सम्मुखन सिंह खंडहार वाणी से है, और ब्रजचंद्र डागुर वाणी से है, श्रीचंद ये नौहार वाणी से है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर चार है, इनमें से कौन सा सही नहीं है? किसी भी राग में मध्यम और पंचम एक साथ वर्जित नहीं हो सकते। दूसरा है, राग में आरोह और अवरोह कर्म से रहते हैं, सभी रागों में षडज आवश्यक नहीं है, तीव्र मध्यम कभी भी वादी संवादी के रूप में प्रयुक्त नहीं होता। सही आंसर है इसका तीसरा। सभी रागों में षडज आवश्यक नहीं है, तो ये क्या है? ये सही नहीं है, मतलब कि ये सभी रागों में आवश्यक होता है। ठीक है, देखो इसकी व्याख्या मैं पहले पढ़ता हूं, उसके बाद में इस पे थोड़ा सा पढ़ेंगे इसे ढंग से। किसी भी राग में मध्यम और पंचम एक साथ वर्जित नहीं हो सकते, ये सत्य है कि किसी भी में मध्यम और पंचम, म और प, एक साथ वर्जित नहीं हो सकते, ये सत्य है। रागों में आरोह और अवरोह क्रम से रहते हैं, ये भी सत्य है। सभी रागों में षडज आवश्यक नहीं है, ये असत्य है। हाँ, तीव्र मध्यम कभी भी वादी और संवादी के रूप में प्रयुक्त नहीं होता, ये सत्य है। इसमें ना एक चीज है, आप मुझे बताना, देखो सभी रागों में षडज आवश्यक नहीं है, षडज तो सभी रागों में होता है, सा जो होता है ये तो सत्य है ना, सभी रागों में षडज आवश्यक है। अच्छा, यहां पे लिखा हुआ नहीं है, ये असत्य है, यहां पे ये होना, अगर ये हटा देते सभी रागों में षडज आवश्यक है तो ये सत्य होता, समझ रहे हो? और सभी यहां पे नहीं है ना, तो सभी रागों में षडज आवश्यक नहीं है, तो आवश्यक है यहां पे, इसलिए असत्य है। ठीक है, उल्टा करके पूछ दिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 19 है, राग खमाज का वादी संवादी है साम गनी साप या रेप। सही आंसर होगा इसका दूसरा गनी। खमाज राग का वादी स्वर ग समवादी स्वर नी माना जाता है। खमाज राग खमाज ठाट से उत्पन्न है। इसकी जाति साड़ संपूर्ण मानी जाती है। खमाज राग का गायन समय रात्रि का द्वितीय प्रहर माना जाता है। इस राग का स्वरूप इस प्रकार है, ग म धनी सानी ध प म प ध म ग। खमाज राग का वादी स्वर सा म म प तथा रे प नहीं होता, क्या होता है? गनी होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, राग खमाज के गाने का समय है रात्रि का द्वितीय प्रहर प्रातकाल सायंकाल या मध्य रात्रि। राग खमाज के गाने का समय क्या है रात्रि का द्वितीय प्रहर प्रातकाल सायंकाल या मध्य रात्रि। इसका सही आंसर होगा पहला, रात्रि का द्वितीय प्रहर। ठीक है, राग खमाज के गाने का समय रात्रि का द्वितीय प्रहर माना जाता है। खमाज राग प्रातकाल मध्य रात्रि तथा सायंकाल में नहीं गाया जाता है। खमाज राग खमाज ठाट का आश्रय राग है। इसका वादी ग असंवादी नी है, वादी ग असंवादी नी है। क्वेश्चन नंबर 21 है, रूपक ताल का छंद है दो दो तीन करके है, दो तीन दो या तीन दो दो, इनमें से कोई नहीं। क्या छंद होगा इसमें से? ती ती ना धी ना धी ना, ये इसके बोले। ती ती ना तीन हो गया ना, ती ती ना एक हो गया छंद, धी ना एक धी ना, मतलब कि तीन दो दो करके है। ठीक है, तो इसका तीसरा आंसर सही होगा। ठीक है, रूपक ताल का छंद तीन दो दो है, अर्थात इसके बोल में उपयुक्त छंद दिखाई देता है। ती ती ना धी ना धी ना, ठीक है। रूपक ताल तबले की ताल है, इसमें सात मात्राएं होती हैं और तीन विभाग होते हैं। यह ताल भजन गजल आदि के संगत के साथ भी बजाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, यह कौन सी ताल है ती ती ना धी ना धी ना, झपताल रूपक कहरवा या दादरा। ये जो ताल है दूसरा रूपक ताल है ये, ठीक है, रूपक ही ताल है। ती तीना धीना धीना अभी बताया था मैंने, यह बोल समूह रूपक ताल के हैं। रूपक में सात मात्राएं होती हैं। रूपक ताल एक प्रचलित ताल है, इस ताल के प्रथम मात्रा पर खाली होता है, जबकि झपताल दस मात्रा की ताल है, कहरवा आठ मात्रा की ताल है, दादरा छह मात्रा की ताल मानी जाती है, और रूपक ताल में जो छंद है वो तीन दो दो करके इसमें विभाग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, पंचम सवाली का तिगुण एक आवर्तन की कितनी मात्राओं के अंतर्गत आएगा, पांच आठ दस या बारह।
आपको ये पता होना चाहिए कि पंचम सवाली में कितनी मात्राएं होती हैं, फिर आप आराम से समझ जाओगे ऐसे ऐसे प्रश्न को। सही आंसर इसका पहला, ठीक है। पंचम सवाली ताल का त्रिगुण एक आवर्तन की पांच मात्राओं के अंतर्गत आएगा। पंचम सवाली 15 मात्रा की ताल है, इसमें चार विभाग होते हैं। यह तबले की ताल है और इसे स्वतंत्र वादन किया जाता है, ठीक है। और ये आया कैसे, 15 को पांच कर देंगे, इनको काटेंगे तो पांच आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके त्रिगुण है, त्रिगुण तो इस तरीके से आ जाएगा, तीन बार में ये कट जाएगा आपका, कि किससे कटेगा, तीन बार में ये कट जाएगा, सॉरी ये मैंने गलत काट दिया, 15 होगा और ये आपका हो जाएगा ये तीन होगा, है ना, त्रिगुण है तो तीन होगा, तो 3 5 15 ये होगा, ठीक है, 3 5 15 इस तरीके से कट के आएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, 2 3 2 3 छंद किस ताल का है, झपताल, तीव्रा, तीन ताल या कहरवा। सही आंसर इसका पहला झपताल होगा, ठीक है। धिन्ना धिन धिन्ना तिन्ना धिन धिन्ना धिन ये होगा, ठीक है। यह झपताल का छंद है, ठीक है। इस ताल के जो बोल समूह इस प्रकार है, धिन्ना धिन धिन्ना तिन्ना धिन धिन्ना धिन, धीना धी धीना तीना धी धीना धी, ऐसे भी लोग पढ़ते हैं, दो तरीके से लोग इसे बोलते हैं। इसमें 10 मात्राएं होती हैं, इसमें चार विभाग होते हैं, ठीक है। झपताल तबले की ताल है और यह छोटे ख्याल के साथ बजाई जाती है। झपताल एक प्रचलित ताल है, झपताल प्राचीन गत सादरा के साथ बजाई जाती है। तीव्रा में 7 मात्रा, तीन ताल में 16 मात्रा, कहरवा में 8 मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, धमार ताल कितने मात्रा की होती है, 10 14 15 या 16। देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दूसरा 14, ठीक है। धमार ताल 14 मात्रा की ताल है, यह पखावज की ताल है। इस बोल जोरदार तथा गंभीर प्रकृति के हैं। धमार ताल धमार नामक गायकी के साथ बजाई जाती है। इस ताल में चार विभाग होते हैं, कितने विभाग होते हैं, चार होते हैं। धमार ताल में 10 15 16 मात्राएं नहीं होती है। धमार ताल में टुकड़ा, परन, पडार, कमाली, फरमाइश आदि बजाए जाते हैं, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे 25 प्रश्न। मुझे उम्मीद है आप सभी को अच्छा लग रहा होगा, अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, कि अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो वहां से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का नाम है ऑल म्यूजिक एग्जाम, ठीक है, ऑल म्यूजिक एग्जाम के नाम से टेलीग्राम है। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे रखा है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं वहां से जुड़ सकते हैं। बाकी आप सर्च भी कर सकते हैं, सर्च करने से आपको मिल जाएगा, यहाँ पे जितनी भी प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब आती रहती है उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी आपको। जितनी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, 500 के करीब वहां पे लोग जुड़े हुए हैं। और आपको सबसे ज्यादा एक चीज करना है, जो है शेयर जरूर करें चैनल को, शेयर करने से काफी बच्चे जुड़ पाएंगे यहां से, और ज्यादा जुड़ेंगे तो ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद जय भारत।